शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को वितरित किए जाने वाले मासिक राशन में गेहूं की मात्रा घटा दी है। अब तक बांटे जा रहे प्रति व्यक्ति 4 किलो गेहूं को 2 किलो कर दिया गया है, जबकि चावल जो पहले प्रति व्यक्ति 1 किलो बांटा जा रहा था, अब 3 किलो प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में अनाज की मात्रा में हुए परिवर्तन का असर बाजार पर भी पड़ेगा। दरअसल सरकार की निर्यात बंदिश के पहले ही 70 लाख टन गेहूं निर्यात होने की उम्मीद है। दूसरी ओर सरकारी खरीद में भी सरकार लक्ष्य से पिछड़ गई है। ऐसे में सरकारी भंडार को ध्यान रख गेहूं की मात्रा कम कर चावल को बढ़ा दिया गया है। सरकारी वितरण में चावल की मात्रा बढ़ने का असर मोटे चावलों के बाजार पर दिखेगा। परमल क्वालिटी के चावलों के दाम में नरमी आने की उम्मीद है, क्योंकि वैसे ही मोटे चावलों के निर्यात की मांग नहीं है। निर्यात की मांग और मध्यम से उच्च वर्गीय उपभोक्ताओं की मांग बासमती चावलों में अच्छी है। ऐसे में बासमती टुकड़ा और फुल ग्रेन में नरमी की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।